नमस्कार मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अनवीति ये ग्रामर पाठ के अंतर्गत आता है और इसका अध्ययन कर लेने के बाद आपको वाक्य रचना करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अनवीति या जिसे अंग्रेजी में कौनकोड कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद एक संज्ञा पद के लिंग अर्थात जेंडर वचन अर्थात नंबर्स पुरुष अर्थात पर्सन कारक अर्थात केस आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अन्य पदों का भी स्वरूप निर्धारित होता है तब इसे अनवीति कहते हैं अगर ये कठिन लग रहा है तो हम लोग एक दूसरी परिभाषा पर आते हैं ये देख लीजिए अनवीति का तात्पर्य है मेल या अनुरूपता अर्थात वाक्य में जितने भी पद होंगे वो एक दूसरे के अनुरूप होंगे या अनुरूप होने ही चाहिए तभी जाकर वाक्य मुक्त होगा वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग वचन काल तथा पुरुष के अनुरूप होना ही अनवीति कहलाता है और अनवीति को कहीं कहीं अन्वय भी कहते हैं अर्थात अनवीति में हम लोग ये समझेंगे कि वाक्य में जितने भी पदों का प्रयोग किया जा रहा है उसका क्रियापद के साथ मेल या उसकी अनुरूपता सटीक बैठनी चाहिए तभी जाकर वाक्य रचना जो है वो पूर्ण रूप से सही होगी हम लोग सबसे पहले कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं जिसका हम लोग इस वीडियो के दौरान बार बार प्रयोग करने वाले हैं उसके हिंदी और अंग्रेजी रूप दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए तो कर्ता हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं कर्म जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं क्रिया जिसे वर्व कहते हैं विभक्ति या प्रसर्ग जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं विभक्ति सहित है तो विद प्रीपोजिशन और विभक्ति रहित है अर्थात विदाउट प्रीपोजिशन उसी प्रकार विशेषण उसके लिए एडजेक्टिव विशेष्य नाउन या प्रनाउन लिंग जेंडर त्रिलिंग फेमिनाइन पुल्लिंग मेस्कुलाइन एक वचन सिंगुलर बहुवचन प्लूरल सर्वनाम प्रनाउन उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन अन्य पुरुष थर्ड पर्सन और कारक जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं ठीक है तो अब हम लोग आ जाते हैं अनविति के कुछ नियमों पर अनविति मूलतः छः प्रकार के होते हैं सबसे पहले कर्ता और क्रिया की अन्विति उसके बाद कर्म और क्रिया की अनविति उसके बाद निरपेक्ष अनविति तत्पश्चात सर्वनाम और संज्ञा की अनविति उसके बाद विशेष्य और विशेषण की अनवीति और उसके बाद संबंध और संबंधी की अनवीति तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कर्ता और क्रिया की अनवीति से अर्थात वाक्य में दो चीज़ों का होना तो कंपलसरी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दो चीज़ें होंगी ही होंगी किसी भी वाक्य में हाँ ये हो सकता है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो गौण हो जाता है लेकिन रहता जरूर है ठीक है अच्छा तो कर्ता और क्रिया की नवी इसका नियम क्या है नियम इस प्रकार है जिस वाक्य में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट और कर्म दोनों विभक्ति रहित हो अर्थात विदाउट प्रिपोजिशन उसमें प्रिपोजिशन होगा ही नहीं वहाँ क्रिया जो है वो कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती है यह एग्जाम्पल देखिए श्यामा पानी भरती है तो यहाँ कोई प्रिपोजिशन आया ही नहीं है श्यामा ने पानी भरा श्यामा से पानी भरवाया गया तो यहाँ किसी भी प्रकार का प्रिपोजिशन नहीं है दूसरी बात कर्म के बाद भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है तो यहाँ कंडीशन फुलफिल होती है कर्ता के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं कर्म के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं तो क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी तो श्यामा स्त्रीलिंग है तो क्रिया देखिए स्त्रीलिंग है भर्ती है सोहन बाइक चलाता है तो देखिए सोहन के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं कोई परसर्ग नहीं कोई विभक्ति नहीं बाइक के बाद भी कोई परसर्ग नहीं इसीलिए सोहन पुल्लिंग है तो क्रिया हो गया ंग चलाता है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है और बच्चे ये बहुवचन है उसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो यहाँ देखिए क्रिया भी हो गई खेलते हैं बहुवचन में और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए वृद्धाएं वृद्धाएँ अर्थात बूढ़ी औरतें कष्ट झेलती हैं तो देखिए वृद्धाएँ कोई प्रिपोजिशन नहीं है इसके बाद लिए यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो स्त्रीलिंग में बहुवचन झेलती हैं तो कर्ता और क्रिया की अनुमति संपूर्ण होती है कर्ता के बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं कर्म के बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं तो क्रिया कर्ता के अनुरूप होगी दूसरा देखते हैं इसके दूसरे नियम पर जहाँ कर्ता विभक्ति रहित हो अर्थात कर्ता के बाद तो कोई प्रिपोजिशन नहीं होगा कोई प्रसर्ग नहीं होगा किंतु कर्म में प्रसर्ग होगा ऑब्जेक्ट में प्रसर्ग होगा वहाँ भी क्रिया कर्ता पद के लिंग और वचन के अनुसार ही होती है कैसे देखिए राजेश के बाद तो कोई प्रिपोजिशन नहीं है लेकिन रमा ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो कर्म है उसके बाद प्रिपोजिशन है को चिढ़ाता है बावजूद इसके क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुरूप होगी सब्जेक्ट के अनुरूप राजेश पुल्लिंग है तो देखिए चिढ़ाता है पुल्लिंग रीना बिल्ली को डराती है देख रहे हैं यहाँ बिल्ली जो है वो कर्म है उसके बाद प्रीपोजिशन को आ गया है लेकिन रीना स्त्रीलिंग है इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग उसी प्रकार लड़के मुर्गे को पकड़ रहे हैं ठीक है थीके? तो लड़के पुल्लिंग बहुवचन में है मुर्गे को देखिए प्रीपोजिशन आ गया है लेकिन क्रिया है पकड़ रहे हैं बहुवचन में है करता बहुवचन में है लड़कियां शिक्षक को बुलाने गई हैं तो देखिए लड़कियां बहुवचन स्त्रीलिंग में हैं शिक्षक कर्म है उसके बाद को प्रीपोजिशन आया हुआ है बावजूद इसके इसी के अनुरूप यहाँ क्रिया लगी है गई है बहुवचन में तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्ता और क्रिया की अनविति पर विचार किया अब हम लोग आ जाते हैं अगले अनविति पर जो है कर्म और क्रिया की अनविति इसका पहला नियम देखते हैं जिन कर्ता पदों में अर्थात जिन सब्जेक्ट्स में ने विभक्ति का प्रयोग होता है अर्थात सब्जेक्ट के साथ ये कर्ता के साथ ने लगा होता है किंतु कर्म ऑब्जेक्ट पूरक सप्लीमेंट परसर्ग रहित होता है अर्थात उसमें परसर्ग नहीं होता कर्म में परसर्ग नहीं है लेकिन कर्ता में ने लगा हुआ है वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है और इसीलिए इसे कर्म क्रिया की अनविति हो कहते हैं क्योंकि क्रिया जो होगी किसके अनुसार होती है कर्म के अनुसार इसीलिए कर्म क्रिया की अनु कहते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मोहिनी ने कर्ता पद है ये उसके साथ ने विभक्ति लगी है रोटी बेली तो देखिए रोटी क्या है स्त्रीलिंग है बेली जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग हो गई क्योंकि यहाँ पर देखिए रोटी स्त्रीलिंग है अगर यहाँ राम भी रहता ना तो भी राम ने रोटी बेला नहीं होता बेली क्यों क्योंकि कंडीशन ये है कि कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो क्रिया जो होगी ये वाली क्रिया वो कर्म के अनुरूप होगी देखिए कर्म के अनुसार है उसी प्रकार यहाँ देखिए मोहिनी ने चार केले खाए मोहिनी स्त्रीलिंग है उसके बाद ने आ गया है लेकिन कितने केले खाए चार केले तो चार केले खाए ठीक है केला पुल्लिंग है उसी हिसाब से क्रिया भी जो हो गई है वो पुल्लिंग कर्म के अनुसार यहां पर देखिए मोहन ने पत्र लिखे अर्थात मोहन ने बहुत सारे पत्र लिखे या मोहन ने पत्र लिखा तो पत्र जो है वो पुल्लिंग है मोहन ने पत्र लिखे अर्थात दो चार पत्र लिखे होंगे इसीलिए क्रिया बहुवचन में है या मोहन ने पत्र लिखा नमिता ने चिट्ठियां लिखी नमिता पद है उसके साथ नहीं आ गया है हम लोग इसे छोड़ देंगे लेकिन कर्म जो है कर्म के साथ हम लोग देख रहे हैं चिट्ठियाँ हैं वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी कर्म के अनुसार अब देख लेते हैं पूरक के अनुसार देखिए पूरक क्या होता है ना कर्म और पूरक में थोड़ा सा डिफरेंस है कर्म जब लगा रहेगा तब आप किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं नमिता ने चिट्ठियाँ लिखी लेटर्स आर रिटिन बाई नमिता ठीक है लेकिन बच्चों को बुखार था इसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते कर्म वाच्य में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना होकर सप्लीमेंट है बच्चों को बुखार था तो देखिए बच्चों को बुखार था तो को तो आ गया है लेकिन क्रिया कैसे हो रही है ये बुखार के अनुसार मुझे नींद आ रही थी ठीक है मुझे नींद आ रही थी तो पूरक के अनुसार क्रिया हो गई क्योंकि नींद जो है वो स्त्रीलिंग है इसी हिसाब से अगर आप ये भी लिख सकते हैं राम को नींद आ रही थी देखिए राम को परसर्ग लग रहा है बावजूद इसके नींद के हिसाब से ही क्रिया प्रस्तावित होगी या क्रिया प्रयुक्त होगी नींद स्त्रीलिंग है इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग रमा को नींद आ रही थी तो राम हो या रमा हो परसर्ग लग जाए कर्ता पद पर और ऑब्जेक्ट परसर ग्रहित हो तो क्रिया जो होगी वो कर्म या पूरक के अनुसार ही होगी अब हम लोग आते हैं निरपेक्ष अनविति पर जहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित होते हैं अर्थात कर्ता के बाद भी प्रिपोजिशन कर्म के बाद भी प्रिपोजिशन विभक्ति सहित विद प्रिपोजिशन होते हैं वहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए प्राचार्य ने कर्ता प्राचार्य हो गया उसके बाद ने विभक्ति शिक्षकों को कर्म हो गया उसके बाद को विभक्ति सभा के लिए बुलाया तो क्रिया देख लीजिए पुल्लिंग एक वचन में हो गई बुलाया बंदरों ने टोपियों को उठाया बंदर बंदरों ने अर्थात बहुत सारे बंदर ने आ गया टोपियों टोपी कैप को यहाँ फिर परसर्ग आ गया तो देखिए क्रिया बहुवचन में है और वो से आई मीन क्रिया पुल्लिंग एक में है बंदरों ने टोपियों को उठाया तो यहाँ देखिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही होगी अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया तो अध्यापक ने छात्रों को बुलाया पुल्लिंग एक वचन शिला ने नौकर को बहुत डांटा तो शीला ने नौकर को बहुत डांटा पुल्लिंग एक वचन रूल नंबर दो देखिए समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद जब और योजक से जुड़े होते हैं तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है समान लिंग के विभक्ति रहित समान लिंग अर्थात स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग अनेक कर्ता पद काम करने वाले बहुत हैं और वो और योजक से जुड़े होते हैं तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होगी कैसे देखिए रागिनी स्त्रीलिंग है शीला स्त्रीलिंग है और और योजक से जुड़ गया है सुहाना भी स्त्रीलिंग है पानीपुरी खा रही हैं तो देखिए उसी लिंग का बहुवचन आ गया स्त्रीलिंग है उसी का बहुवचन रूप प्रयोग होगा तो यहाँ पर खा रही हैं ये यह देखिए यहाँ बिंदी लगी है है का बहुवचन उसी प्रकार देखिए पिताजी भाई साहब और जीजा जी बातें कर रहे हैं तो देखिए पिताजी पुल्लिंग भाई साहब पुल्लिंग जीजा जी बातें कर रहे हैं तो देखिए यहाँ हैं समान लिंग है विभक्ति रही थे कहीं भी विभक्ति नहीं है कहीं भी पड़ या अपनी पोजिशन तो है नहीं ठीक है और योजक से जुड़ा हुआ है देखिए यहाँ और योजक से जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा हमेशा उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होगा जैसे यहाँ पर इस लिंग था यहाँ पुल्लिंग हो गया रूल नंबर थ्री देखते हैं या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है जैसे अगर विभक्ति रहित है विदाउट प्रिपोजिशन है और कर्तापद ज्यादा है तो और या से जुड़े हुए हैं अगर कर्ता पद तो क्रिया जो होगी अंतिम कर्ता के अनुसार होगी जैसे शादी में पुनित या पुनीता जाएगी तो पुनित तो हो गया या पुल्लिंग पुल्लिंग और पुनीता हो होगी स्त्रीलिंग तो इसके कहने का मतलब है कि क्रिया जो होगी वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगी तो पुनीता जो है वो अंतिम कर्ता है इसलिए जाएगी हो गया यहाँ देखिए चित्र श्यामा या श्याम बनाएगा श्यामा स्त्रीलिंग है श्याम पुल्लिंग है तो अंतिम कर्ता क्या है श्याम है तो उसी के अनुसार ही क्रिया होगी बनाएगा राशन शाश्वत या शाश्वती लाएगी तो देखिए शाश्वत पुल्लिंग पहले आ गया है अंतिम क्रिया शाश्वती है इसीलिए क्रिया लाएगी हो गया इसे ही हम लोग निरपेक्ष अनविति का रूल नंबर तीन कहते हैं अब हम लोग देखते हैं निरपेक्ष अनविति का रूल नंबर फोर यदि एकाधिक कर्ता पदों के लिंग भिन्न भिन्न हो अर्थात एक वाक्य में कर्ता पदों की संख्या ज्यादा होगी और लिंग अर्थात जेंडर भिन्न भिन्न होंगे स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग दोनों होंगे और वे और योजक से जुड़े हों अर्थात उनमें और योजक जुड़ा हुआ होगा तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है जैसे देखिए शिवरात्रि के मेले पर बच्चे बूढ़े दोनों पुल्लिंग हैं आदमी औरत पुल्लिंग स्त्रीलिंग है और लड़के लड़कियाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग खूब शोर शराबा करते हैं तो देखिए क्रिया क्या हो गई पुल्लिंग बहुवचन में आ गई क्यों क्योंकि एक ही वाक्य में कर्ता पदों की संख्या ज़्यादा है और लिंग भिन्न भिन्न है कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ और देखिए एक एग्जाम्पल मेरी बहन के पुत्र पुत्री और पुत्रवधू दिल्ली गए हैं तो देखिए गए हैं लिंग यहाँ पर तरह तरह के हैं यहाँ पुल्लिंग है यहाँ स्त्रीलिंग है यहाँ भी स्त्रीलिंग है तो ये क्या हो गया क्रिया बहुवचन में आएगी कुछ दिनों से मेरी बेटी और दामाद आए हुए हैं तो देखिए मेरी बेटी स्त्रीलिंग दामाद पुल्लिंग अलग अलग आ गया इसलिए क्रिया हो जाएगी बहुवचन में अब आते हैं रूल नंबर पाँच में यदि एक से अधिक कर्ता पद भिन्न पुरुष में हो पुरुष पुरुष कहने का मतलब है पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तो उनका क्रम होगा पहले होगा मध्यम पुरुष जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन अन्य पुरुष थर्ड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन ऐसे वाक्यों में क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन रूप में होगी जैसे तुम ये हो गया मध्यम पुरुष तुम्हारे मित्र तुम्हारे मित्र ये हो गया अन्य पुरुष और मैं ये हो गया प्रथम पुरुष तो कंडीशन फुलफिल हो गई मध्यम पुरुष अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही ट्रेन से जाएंगे तो मैं का सिंगुलर रूप क्या होगा मैं का सिंगुलर रूप होगा जाऊंगा और बहुवचन क्या होगा मैं का बहुवचन क्या होता है मैं का बहुवचन हम होता है तो हम का जो क्रिया रूप होगा प्रस्तावित वो क्या होगा जाएंगे जाएंगे ठीक है तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए ट्रेन से जाएंगे तुम तुम्हारे मित्र और मैं एक ही ट्रेन से जाएंगे उसी प्रकार देखिए तू तु, मध्यम पुरुष तुम्हारे पिता अन्य पुरुष और हम औरतें वहाँ कैसे पहुँचेंगी तो देखिए लास्ट में क्या है औरतें औरतें पहुँचेंगी तो ये चेंगी पहुँचेंगी ये क्रिया का बहुवचन रूप है कंडीशन फुलफिल हुई अब आते हैं रूल नंबर सिक्स पर यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है अर्थात कोई करता है उसका लिंग अज्ञात है कैसे देखिए सुनो कोई आ रहा है तो कोई स्त्रीलिंग भी हो सकती है और कोई पुल्लिंग भी हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं है इसीलिए हम लोग क्रिया पुल्लिंग में ही लगाते हैं अगर कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो तुम्हारा घर कौन चलाता है हम लोगों को तो पता नहीं पिताजी चलाते हैं मम्मी चलाती है बहन चलाती है भाई चलाता है फिर तुम्हारा घर कौन चलाता है क्वेश्चन चिन्ह के साथ देखो वहाँ कुछ गिरा पड़ा है देखो वहाँ कुछ गिरा पड़ा है क्या गिरा पड़ा है सुई गिरी है ठीक है पेंसिल गिरी है कलम गिरी हुई है या फिर गिलास गिरा पड़ा है पता नहीं देखो वहाँ कुछ गिरा पड़ा है तो लिंग अगर अज्ञात है तो क्रिया तो पुल्लिंग में आदर देने के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए भी एक कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है जैसे पिताजी आ रहे हैं तो पिताजी को इज्जत देनी है पिताजी एक वचन में है बावजूद इसके हम लोग क्रिया बहुवचन में लगाते हैं उसी प्रकार देखिए गांधी जी एक वचन में है लेकिन सारी दुनिया में पूज्य हैं बिंदी वाली है लाल बहादुर शास्त्री महान व्यक्ति थे देख रहे ना इज्जत देने के लिए थे सुभाष चंद्र बोस तेजस्वी व्यक्ति थे तो यहाँ पर देखिए कैसे व्यक्ति थे तेजस्वी व्यक्ति थे थे जो है हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए सिंगुलर एक वचन वाले व्यक्तियों में भी हम लोग लगा रहे हैं और ये निरपेक्ष अन का अंतिम रूल है जैसे रूल नंबर आठ है ये दर्शन आंसू प्राण लोग ओठ आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है ऐसे शब्दों की संख्या और ज़्यादा है मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए ही यहाँ कोट किए हैं जैसे उसके प्राण निकल गए हम लोग ये नहीं कहते कि उसका प्राण निकल गया उसके प्राण निकल गए प्राण जो है बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है दर्शन प्रभु के दर्शन हो गए आपके दर्शन हो गए मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे आँसू की एक बूंद भी निकली होगी लेकिन हम लोग बोलेंगे आँसू निकलने लगे लोग तो बात बनाते ही रहते हैं तो देखिए बात बनाते ही रहते हैं तुम्हारे ओठ बहुत सुंदर हैं तो देखिए हैं सुंदर है तो इस तरीके से हम लोगों ने निरपेक्ष अनविति के सारे नियमों का अध्ययन कर लिया अब हम लोग आ जाते हैं सर्वनाम और संज्ञा की अनुविति पर सर्वनाम और संज्ञा की अनुविति का रूल नंबर एक बताता है सर्वनाम के लिंग वचन संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जैसे वह नाचती कूदती रहती है इस विभा जो उस लड़की का नाम है इसे हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा है ताकि आप जान लीजिए कि ये हिडन है वह नाचती कूदती रहती है अर्थात हम लोगों को पता है वह सर्वनाम का प्रयोग हम लोग जिसके लिए कर रहे हैं वो एक लड़की है तो संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होगी यह स्कूल से भाग आया है यह कौन है सियोर कोई ना कोई पुल्लिंग होगा मोहन स्कूल से भाग आया है तभी तो क्रिया आया है उन्हें खेलना भी चाहिए तो उन्हें किसे ये जो बहुवचन उन्हें का प्रयोग किया गया है ये बच्चों के लिए बच्चों को खेलना भी चाहिए सुशीला मेरी बहन है वह आज विद्यालय नहीं जाएगी तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि सुशीला एक लड़की है इसीलिए सुशीला के बदले यहाँ जिस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह है वह और उसके लिए जो क्रिया का प्रयोग किया गया है वह स्त्रीलिंग नहीं जाएगी रूल नंबर दो देखते हैं आदरार्थक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है जैसे देखिए अगर हम लोग किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं इज्जत देने के लिए ठीक है और वो एक वचन वाला है तो भी हम लोग उसके लिए बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं और इज्जत देते हैं जैसे वे आ गए हैं तो वे आ गए हैं कहने का मतलब ये नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपुल आ गए ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आ गए नहीं केवल मामा जी एक मामा जी भी आ गए हैं ना उसके लिए हम लोग वे बहुवचन का प्रयोग करेंगे और क्रिया भी बहुवचन होगी ठीक उसी प्रकार वे कार में बैठी हैं अर्थात ऐसी नहीं कि ग्रुप ऑफ लेडीज कार में बैठी है नहीं दादी जी कार में बैठी हैं तो दादी जी एक सिंगुलर को भी रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग बहुवचन सर्वनाम का और क्रिया का प्रयोग करते हैं अब आ जाते हैं विशेष्य और विशेषण की अनवित आकारांत विशेषण तो सबसे पहले ये जानिए आकारांत होता क्या है कोई भी ऐसा शब्द जो आ की मात्रा पर समाप्त होता है उसे हम लोग आकारांत कहते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया मोटा आ तो ये क्या हो गया आकारांत हो गया ठीक है तो कोई भी ऐसा शब्द जो आ की मात्रा पर समाप्त होता है उसे हम लोग आकारांत कहते हैं। जैसे प्यासा प्यासा आ की मात्रा पर समाप्त हुआ आकारांत विशेषण का लिंग वचन अपने विशेष के अनुसार परिवर्तित होता है जैसे यहाँ देखिए अच्छा लड़का आकारांत है तो आकारांत विशेषण की खासियत ये है कि आकारांत विशेषण जो है वो विशेष्य के अनुसार अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार चेंजेबल होते हैं अच्छा लड़का तो यहाँ अच्छी लड़की यहाँ अच्छे लड़के शेष विशेषण यथावत रहते हैं जैसे मान लीजिए सुंदर लड़का है तो लड़की के लिए भी सुंदर लड़की और सुंदर लड़के रूल नंबर दो पर आते हैं यदि विशेषण एक हो और विशेष्य अनेक हो अर्थात एडजेक्टिव तो एक है लेकिन नाउन और प्रनाउन अनेक है तो विशेषण के लिंग वचन उसके निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार होते हैं कैसे देखिए मान लीजिए विशेषण एक है मोटी लेकिन विशेष्य बात है लड़कियां और लड़के आकर्षण खो बैठते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसका निकटवर्ती विशेष क्या है लड़कियां इसलिए यहाँ हो गया है मोटी हालांकि लड़के के लिए मोटे का प्रयोग होना चाहिए लेकिन मोटी को ही मोटे के सेंस में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर विशेष्य अलग अलग हैं और उसके लिंग भी अलग अलग हैं इसी प्रकार देखिए मीठी वाणी और उपदेश तो वाणी के लिए तो तय है कि हम लोग मीठी का प्रयोग करेंगे लेकिन उपदेश मीठे उपदेश होगा या मीठा उपदेश होगा लेकिन निकटवर्ती विशेष क्या है वाणी है इसीलिए उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ विशेषों को कन्वर्ट करेंगे और क्रिया जो होगी वो बहुवचन हो रही है वहीं पर देखिए वह गिरती उठती बड़ी बड़ी लहरों को देखता रहा तो यहाँ वह जो है वो एक वचन में है यहाँ क्रिया भी एक वचन में हो गई गिरती उठती बड़ी, बड़ी बड़ी लहरों को देखता रहा अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंतिम पर वो है संबंध और संबंधी की अनवीति और ये बड़ा ही छोटा और आसान भी है संबंध कारक जैसे हम लोग का के की रा रे, री। बोलते हैं ना वही संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार प्रयुक्त होता है जैसे वह मोहन का भाई है तो यहाँ पर देखें संबंधी क्या है भाई कारक क्या है का तो भाई क्या है पुल्लिंग है तो ये जो संबंध कारक होगा ये भी पुल्लिंग होगा का उसी प्रकार देखिए वह मोहन की पत्नी है तो संबंधी का लिंग क्या है स्त्रीलिंग है तो ये जो होगा कारक वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा मोहन की पत्नी ये मोहन के रुपये हैं रुपये हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये बहुवचन में है इसीलिए यहाँ भी के आ रहा है ये मोहन के रुपये हैं यह मेरी पुस्तक है पुस्तक स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर मेरी का प्रयोग किया गया है तो संबंधी का जो लिंग होगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर संबंध कारक के लिंग का निर्धारण करेंगे और अंतिम यदि कर्ता भिन्न भिन्न लिंग के हों और, और योजक से जुड़े हुए हों तो क्रिया बहुवचन में होगी ये हम लोग पहले भी अध्ययन कर लिए हैं जैसे मेरी बेटी और बेटा पढ़ रहे हैं तो देखिए बेटी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर कारक चिन्ह स्त्रीलिंग हो गया है और बेटा पढ़ रहे हैं तो बेटा तो पुल्लिंग है लेकिन हम लोग ऐसे में क्या करेंगे क्रिया जो होगी वो बहुवचन में ही होगी मेरी बेटी और बेटा पढ़ रहे हैं उसी प्रकार देखिए तुम्हारा भाई और बहन क्या कर रहे हैं तो तुम्हारा भाई तो ठीक है और बहन ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है लेकिन क्रिया जो होगी वो बहुवचन में ही होगी तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो छः प्रकार के अनवीती थे उसका अध्ययन किया उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद